बताओ भैया क्या भाई, पहले ये बताओ कि तुम मूसा कॉलोनी में आए हो, तुम किसी के घर पे गए हो कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तुम्हारा इलेक्ट्रिक से कोई वास्ता है? नहीं सर, मेरा कोई वास्ता नहीं। मुझे फरद लाया था, जोर से बोलो। मुझे फरद लाया था, मैं घर पे लेटा हुआ था, बोला ऐसा ऐसा मसला है यार। मैंने बोला देख भाई मेरे नहीं जा सकता, मेरे हालत बहुत खराब है। बोला तुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे लाया, घर पे मैं गया, घर पे मैंने बिल मांगा, बिल मांग के भी इनको बोला आप ये बिल जो है ना लेके ऑफिस आ जाए। ठीक है जी सर, ये उनको डराने गए थे ना तुम, खाली इसलिए गए थे ना कि वो कुछ पैदा पानी हो जाए वहाँ से। वो फिर फरद ने बोलता मुझे फोन करेंगे, मेरे को फोन करेंगे, फिर मैं खुद ही आऊंगा। फरद ने बोला ना, तो यानी कि पैदा पानी के लिए ना तुम लोग इतवार के दिन वहाँ पे आ रहे हो। ये अपना बैग दिखाओ, पैंट का जरा घुमाओ, पैंट दिखाओ अपनी तुम। ये के इलेक्ट्रिक का भेजा, कौन सी वाली कंपनी है? MM वाले हैं ये, और तुमने के इलेक्ट्रिक का लगाया हुआ है। यानी जो फरद बाबर रोड पे जो लड़का फरद काला रहता है, उसने तुम्हें भेजा है? और इससे पहले कोई काम किया है? इससे पहले एक जगह गए थे, मगर वहाँ पे भी पकड़ाई हुई थी, उन्होंने भी बेचारों ने रिक्वेस्ट कही थी मैंने। किस जगह गए थे? वो लियाकताबाद का काम था, लियाकताबाद का था। ये दोनों जगह फरद ने भेजा तुम्हारे को? उधर भी बड़ी रिक्वेस्ट हुई थी मैंने, उसके बाद मैंने काम नहीं किया था। अभी मेरी किसी मत मारी गई थी, मेरे पास आ गया ना, मैं आता ना मेरे साथ। क्या काम करते हो तुम जी? क्या काम करते हो ना? इलेक्ट्रीशियन हूँ। इलेक्ट्रीशियन हो? गोलीमार में किस जगह रहते हो? गोलीमार पीतल गली जमींदार होटल। किसी को जानते हो गोलीमार में? जमींदार होटल पे। कितने अरसे से रहते हो गोलीमार पे? पैदाइशी गोलीमार की। पैदाइशी गोलीमार की, यानी शुरू से चिटिंग का काम है? जी सर, शुरू से यही काम करते हो? चिटिंग करना ही करते हो? नहीं, वायरिंग का काम है, चिटिंग का नहीं है। तो ये फिर आज कैसे चिटिंग हो? मत मारी गई थी बस,